एक बार फिर से स्वागत है मेरा YouTube चैनल पर। तो किचन का नया काम आपको दिखाएंगे। ये तो ऊपर फिर आ गया बर्तनों की अलमारी क्रॉकरी के लिए। और साइड पर ये छोटे स्लैब दिए गए हैं जो कि फिक्स है ओपन रखने के लिए। अचार जार वगैरह मर्दवान वगैरह जो भी कुछ आप रख सकते हो, बर्तन भी रख सकते हो। और नीचे हमारा आ गया है ये कटलरी आ गई है जो कांटे पलटे छुरियाँ वगैरह रखते हैं इसके अंदर। और नीचे इसको प्लेन बास्केटें दो दी गई हैं, कोई भी डोंगे क्रॉकरी का कोई भी सामान वगैरह इसमें रखते हैं। साथ में आ गया है सिलेंडर का और इसमें जाली दी गई है ताकि सिलेंडर की गैस वगैरह बाहर निकलती रहे। और कप सॉसर हमने साथ में दिया है और इसमें प्लेट बास्केट थाली बास्केट कुछ भी लग सकता है इसमें। और साथ में इसको ये खाता है खाना दिया गया है, दो स्लैब्स इसमें डाले हैं दो जगह। इसमें कोई भी सामान घी के पैकेट शैकेट कुछ भी आ सकता है इसमें। और थोड़ी सी जगह ओपन बचती है जहाँ हम कुछ गन्ने वगैरह डाल सकते हैं। ये हमने साथ में ड्रॉर दिए हैं। कुछ लोग हैं कि ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कटलरी वगैरह नहीं ला पाते हैं तो उसमें ज़रा थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो ये हमने ड्रॉर दिए हैं, दाल चीनी चावल कुछ भी हम डाल सकते हैं, आटा वगैरह कुछ भी, चावल भी आटा भी कोई भी दाल वगैरह। अगर ये कम पड़ते हैं, नीचे थोड़े बड़े दिए गए हैं, इसको आप किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो, राशन के लिए कर सकते हो, बर्तनों के लिए कर सकते हो। ये मार्केट से कुछ नहीं लाना, ये सारे इधर ही बनते हैं। और साथ में फिर ये ओपन दिए गए हैं, ये खाते नीचे बाहर से तो बंद ही हो जाएंगे। और ये डस्टबिन का आ गया है नीचे, जहाँ सैंक वगैरह होता है हमारा बर्तन शर्तन धोने के लिए नीचे। इसलिए इसको बॉक्स में दिया है क्योंकि पाइप बाद में बंद हो जाती है, इसलिए इसको ओपन रखा हुआ है। और दूसरी साइड भी सेम इसको दिए गए हैं डिजाइनिंग के लिए ही और सामान रखने के लिए भी। और ये भी सेम है, कोई बड़ा सामान लग सकता है इसके अंदर। और इसको ऊपर दिए गए हैं शीशे की अलमारियाँ सारी। जो कि कुछ भी सामान ला डाल सकते हैं। ये भी हम सारे ऊपर लाते हैं। ये वाला भी सेम है इधर वाला। ये सामने सिंक के ऊपर भी आई शीशे की अलमारी, ऊपर जस्टफैन का भी दिया हुआ है। ये किचन में टाइलिंग दी गई है क्योंकि बर्फ के दिनों क्या है, हम पीछे बैग लगाते हैं तो ठंडा हो जाता है। तो ये हमने फट्टी की सारी पैनिंग की हुई है साथ में बैठने के लिए, जो कि बर्फ के दिनों थोड़ा इजी रहता है। 2.5 फुट तक है, ज़्यादा भी हो सकती है जितना जितना भी जगह की कैपेसिटी के हिसाब से। तो चलो ये किचन के हिसाब से हमने सेटिंग कर दी जितनी हो सकती थी।